बात करते हैं चांद पर चैलेंज की। भारत का चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ रहा है। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में रूस ने भी चांद पर मिशन भेज दिया है और रूस का चंद्रयान 21 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस भारत से कॉम्पिटिशन कर रहा है? 14 जुलाई 2023 वो तारीख जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ रवाना हुआ। चंद्रयान 3 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है। दिलचस्प इत्तेफाक है कि चांद के इसी हिस्से पर रूस का मून मिशन लूना 25 भी पहुंचेगा, यानी रूस भी चांद को मुट्ठी में करने के मिशन में जुट चुका है। ये रूस के मून मिशन लूना 25 की लॉन्चिंग की तस्वीरें हैं। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने लूना 25 को वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया। ये जगह मॉस्को से करीब 5,500 किलोमीटर दूर है। पिछले 47 साल में चांद पर अंतरिक्ष यान भेजने की रूस की यह पहली कोशिश है। रूस ने 1976 में अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था। अब सवाल यह है कि क्या यह रूस की तरफ से चांद पर पहुंचने की होड़ है? भारत के चंद्रयान 3 के बाद रूस ने अपना मून मिशन लॉन्च क्यों किया? वो भी चांद के उसी दक्षिणी ध्रुव पर जहां पर भारत का चंद्रयान 3 उतर रहा है। सवाल यह है कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस ने अपना मून मिशन लॉन्च करके क्या साबित करने की कोशिश की है? देखिए, न तो चंद्रयान 3 और न लूना 25 आपस में इनकी न स्पर्धा है न प्रतिस्पर्धा है। जो लूना 25 है ये 2021 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से डिले हो गया। क्या होता है कि चंद्रमा के लिए कोई भी चीज प्रोब को लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए हमें चंद्रमा की पेरिजी को देखना पड़ता है, वो नियरेस्ट पॉइंट हो, तो उसके लिए टाइमिंग्स होते हैं। तो ये जो टाइमिंग है ना, अगस्त से सितंबर, सितंबर से नवंबर, इस तरह से है, तो उस टाइम के अंदर लॉन्च किया जाता है। तो उन्होंने भी ये टाइम, उनके लिए टाइम सुटेबल पड़ा है, इसलिए उन्होंने लॉन्च कर दिया। अभी तक रूस, अमेरिका और चीन, ये 3 देश ही चांद पर गए हैं, लेकिन कोई भी चांद के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। भारत का चंद्रयान 3 इसी मिशन को पूरा करने निकला है, लेकिन रूस की तरफ से अपना मून मिशन पहले चांद पर उतारना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि रूस का लूना 25 21 तारीख को चांद की सतह को छू सकता है, जबकि चंद्रमा की सतह को छूने के लिए निकला चंद्रयान 3 बीते महीने 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। सवाल यह है कि आखिर लगभग एक महीने बाद भी लॉन्च होकर लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह छूने में कैसे कामयाब होगा? तो चंद्रयान और लूना 25 चांद के एक ही हिस्से पर तकरीबन एक ही समय पर आसपास ही उतरने जा रहे हैं, जिससे सवाल उठता है कि दोनों के बीच टक्कर रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? वो कहां लैंड करेगा, क्या करेगा? हम भी चंद्रयान जो 3 है वो भी सदर्न पोल में लैंड करेगा और ये भी सदर्न पोल में लैंड करना चाहते हैं। होता क्या है कि ये जो लैंडिंग साइट भी चूज की जाती है ये देखने के लिए कि कम से कम लूनार डे का 45% ऑफ लूनार डे वहां पर रहे, जिससे कि सनलाइट मिलती रहे, सोलर पावर से चलती रही, और साथ में जो ग्राउंड स्टेशन है उससे भी उनका कनेक्शन कॉन्टेक्ट बनता रहे। तो ये इन चीजों को देखते हुए लूना 25 ने अपना किया है। चंद्रयान के बाद रूस का मून मिशन भेजना इत्तेफाक है या फिर चांद को मुट्ठी में करने का मुकाबला है? आज तक ब्यूरो। तो चंद्रयान 3 की तरह रूस का लूना 25 भी चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो पहले पहुंच जाएगा? जानकारों का दरअसल कहना है कि भले ही रूस का लूना 25 पहले पहुंच जाए,
लेकिन भारत की उपलब्धि उससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। इसरो और तब के सोवियत संघ के जॉइंट मिशन के तहत राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 से अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी। अंतरिक्ष में उन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, जिसका जवाब हर हिंदुस्तानी कभी नहीं भुला सकता। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा। इकतालीस साल पहले भारत ने यह उपलब्धि सोवियत संघ की दोस्ती के जरिए हासिल की थी, जिसके सोयूज T-11 से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। ये दुनिया के सामने भारत और सोवियत संघ की दोस्ती की वो मिसाल थी, जिसके केंद्र में सहयोग था। लेकिन जब सारी दुनिया की निगाह चंद्रयान 3 पर लगी थी, 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद उसके कैमरे से भेजी गई चंद्रमा की तस्वीरों पर थी, जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों की धड़कनें बड़ी हुई थी, जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग करीब आ रही थी, तभी रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 भेजकर सबको चौंका दिया, भारत को। रूस ने अपना आखिरी मून मिशन साल 1976 में भेजा था, यानी अब से 47 साल पहले। इसीलिए जब रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 भेजा, तो कुछ लोगों ने इसे भारत और रूस के बीच चांद पर पहुंचने की हो या प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने की कोशिश की, लेकिन इसरो ने अपने ट्वीट के जरिए ऐसी सोच रखने वालों को निराश कर दिया। ये देखिए, रूस के लूना 25 के प्रक्षेपण पर बधाई देते हुए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने लिखा, लूना 25 के सफल लॉन्च पर रोस्कोसमोस को बधाई, अंतरिक्ष के हमारे सफर में एक और शानदार मुलाकात होगी। शुभकामना है, शुभकामना कि चंद्रयान 3 और लूना 25 अपना मिशन पूरा करेंगे। तो धरती की तरह अंतरिक्ष में भी भारत और रूस की दोस्ती दुनिया देखने जा रही है। तो प्रतिस्पर्धा तो है नहीं, दोनों ही मिशन चंद्रयान 3 और लूना 25 ये पहले से प्लान किए गए मिशन हैं और इनके अपने अपने उद्देश्य हैं, तो ऐसा कहना कि कौन उनमें से ज्यादा बढ़िया है या बेहतर है ये उचित नहीं होगा। अपने अपने अलग मिशन्स होते हैं, अपने अपने अलग उद्देश्य होते हैं, और इनके जो वैज्ञानिक तथ्य जो मिलेंगे, डाटा मिलेंगे ना, वो एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं अगर वैज्ञानिक आपस में इन डाटाओं को शेयर करें और सहयोग करें। जिस रूस ने भारतीयों को अंतरिक्ष में ले जाने का कमाल किया, उसी रूस के साथ भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 चांद के एक ही हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 21 और 22 तारीख को रूस का लूना 25 चांद पर लैंड कर जाएगा, वहीं भारत का चंद्रयान 23 अगस्त को लैंड करेगा। लूना 25 और चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का समय करीब करीब एक ही होगा। लूना कुछ घंटे पहले चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। अब सवाल ये है कि रूस का लूना 25 बाद में लॉन्च होकर भी चांद पर कैसे पहले पहुंच जाएगा? इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबे रास्ते से सफर तय कर रहा है। चंद्रयान 3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है, उससे ये काफी कम ईंधन पर सफर करेगा। रूसी रॉकेट ज्यादा बड़ा है, हमारा रॉकेट छोटा है, लिहाजा हमारा रॉकेट चंद्रयान 3 को इतना वेग नहीं दे सकता कि ये ज्यादा रफ्तार से चांद की ओर जा सके। रूस के सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए लूना 25 को लॉन्च किया गया है। वहीं अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो इसकी लॉन्चिंग LVM-3M4 रॉकेट के जरिए की गई है। लूना 25 का वजन 1600 किलोग्राम है, वहीं चंद्रयान 3 का वजन 1752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी शामिल है। लूना 25 या लूना 25 जो है वो उनके सोयज 1B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। सोयज 1B रॉकेट हमसे
जो हमारा रॉकेट था जीएसएलवी मार्क 3 या जिसे हम बाहुबली भी कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा शक्ति प्रदान करता है, थ्रस्ट प्रदान करता है। तो हमें 5-6 ऑर्बिट लेनी पड़ी तो अर्थ के ग्रेविटेशनल और गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए, और फिर हम ऑर्बिट इन ऑर्बिट करेक्शन करते हुए फिर मून के पहुंचे। तो हमें टोटल जो टाइम समय लगेगा करीब 40 दिन का हमारा जो पूरा समय है वो। ये इन्होंने क्या है कि दो अर्थ के जो चारों तरफ दो ऑर्बिट में और फिर ये लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट में चला जाएगा। रूस ने सोवियत संघ के जमाने में अपना लैंडर चांद पर भेजा था। 1976 में लॉन्च किया गया लूनर 24 चांद की करीब 170 ग्राम मिट्टी लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौटा था। लूनर 25 मिशन की शुरुआत साल 1990 में हुई थी, लेकिन ये अब जाकर पूरा हो रहा है। रूस ने इस मिशन के लिए जापानी स्पेस एजेंसी को साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन जापान ने इनकार कर दिया। फिर उसने इसरो से मदद की अपील की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद खुद ही रूस ने रोबोटिक लैंडर बनाने की योजना बनाई। लूनर 25 को रूसी स्पेस एजेंसी पहले साल 2021 के अक्टूबर महीने में लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन इसमें करीब 2 साल की देरी हुई। लूनर 25 के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी पायलट डी नेविगेशन कैमरे की टेस्टिंग करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन पर हमला करने के चलते दोनों स्पेस एजेंसियों ने नाता तोड़ लिया। यानी इसका चंद्रयान 3 की टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि रूस इसकी काफी दिनों से तैयारी कर रहा था। लेकिन रूस का मून मिशन ज्यादा खर्चीला है, जबकि भारत छोटे रॉकेट के जरिए ये रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद अपने मिशन को लॉन्च करना ये भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। तो हमारा उद्देश्य है सॉफ्ट लैंडिंग है। सॉफ्ट लैंडिंग इस बार हम लोगों ने और इसरो ने काफी कुछ रिडंडेंसीज की है। सॉफ्टवेयर में रिडंडेंसी की है, हार्डवेयर में रिडंडेंसी की है, और जो फेल्योर मोड है ना, जिसको हम कहते हैं कि असफलता है कैसे हो सकती है, उनको बहुत अच्छी तरह दिया। सॉफ्ट लैंडिंग होगी, उसके बाद में हमारे जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, वो करेंगे। इसमें मैन्यूवरिंग है जो कर सकते हैं, तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इन सबको भी बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया गया है। सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में कई स्तर पर रिडंडेंसी रखी गई है। सो इस बार तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। अब सवाल ये है कि रूस और भारत अपने मून मिशन को एक ही जगह क्यों उतार रहे हैं। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर वैज्ञानिकों में विशेष रुचि रही है, जिनका मानना है कि स्थायी रूप से छाया वाले ध्रुवीय क्रेटरों में पानी होने की संभावना है। चट्टानों में जमे पानी को भविष्य के खोजकर्ता हवा और रॉकेट ईंधन में बदल सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए इस सारे मून मिशन गर्व की बात यह है कि चाहे रूसी लूनर 25 चांद की सतह पर पहले उतर जाए, लेकिन वहां पर उतरने वाला रोवर प्रज्ञान ही होगा। इसकी वजह यह है कि लूनर 25 का वजन कम करने के लिए इसमें रोवर नहीं भेजा गया। रूस का ये लैंडर 4 टांगों वाला है। इसमें लैंडिंग रॉकेट, प्रोपेलेंट टैंक, सोलर पैनल, कंप्यूटर और चांद की मिट्टी खोदने वाली एक रोबोटिक आर्म होगा। इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर रोवर चलाने वाला पहला देश भारत ही बनेगा। हालांकि लूनर 25 जहां 1 साल का मिशन है, तो भारत का चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों तक चांद की कक्षा में रहेगा। लूनर 25 चंद्रमा की ध्रुवीय मिट्टी की संरचना और चंद्रमा के अल्प वातावरण में मौजूद प्लाज्मा और धूल का अध्ययन करेगा। आज तक ब्यूरो। भारत और रूस का स्पेस मिशन एक साथ चांद के एक ही इलाके में उतर रहा है, यानी कि दोनों के स्पेस क्राफ्ट एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, लेकिन इनके बीच में दूरी कितनी होगी, दोनों ही स्पेस क्राफ्ट आपस में ना टकराएं, उसके लिए क्या इंतजाम किया गया है। भारत और रूस दोनों के ही स्पेस क्राफ्ट दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। इनके बीच कितनी दूरी होगी, इसका खुलासा हुआ है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग की लोकेशन 69.63 दक्षिण और 32.32 पूर्व में है। वहीं अगर रूस के लूना 25 की बात करें तो ये 69.5 दक्षिण और 43.5 पूर्व में है। दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब की बात करें तो ये चंद्रयान 3 ही होगा। हालांकि रूस चांद पर भारत का पड़ोसी होगा। दोनों के बीच इस दौरान 118 किलोमीटर की दूरी रहेगी। ये जानकारी शनमुगा सुब्रमण्यम ने दी है। साल 2019 में जब चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश हो गया था, तब नासा ने इसकी तस्वीर जारी की थी।
नासा ने पब्लिक से चंद्रयान को खोजने को कहा था। शनमुगा ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर चंद्रयान 2 के मलबे को खोज निकाला था। नासा ने भी उन्हें इसका क्रेडिट दिया था, इसीलिए उनकी तरफ से किए गए इस दावे को वैज्ञानिक गंभीरता से ले रहे हैं। चंद्रयान 3 और लूनर 25 की लैंडिंग का शेड्यूल लगभग एक ही है, लेकिन रूसी एजेंसी ने कहा है कि इससे दोनों के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग लैंडिंग क्षेत्रों में उतरने की योजना बनाई है। चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। आज तक ब्यूरो।